नाजरीन इस वक्त मौजूद हैं स्टूडेंट में आर्म रेसलिंग और मास रेसलिंग के मुकाबले किए जा रहे हैं। आप इस वक्त मेरे अकब पे देख सकते हैं, इस वक्त गर्ल्स बड़ी तादाद में यहाँ पर पाक कॉलोनी से मौजूद हैं जो कि इन खेलों के अंदर शिरकत करने के लिए यहाँ पर आई हैं। आइए बात करते हैं यहाँ के कुछ खिलाड़ियों और ऑफिशियल से जिन्होंने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया। और यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा है, सर बहुत अच्छा अच्छा खिला रहे हैं, आर्म रेसलिंग हुई है तो समझद है। यहाँ पर स्पोर्ट्स के रेसलिंग के बहुत अच्छे मैच हो रहे हैं, यहाँ खेलने में बहुत मज़ा ज़्यादा मज़ा आ रहा है और इंशाल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है। स्टूडेंट टैलेंट क्लब इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता रहता है और यहाँ पर बहुत सी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं और मेरे को बहुत मज़ा आया गेम खेल बाद में। आम रुकिंग में हमने हिस्सा लिया और बहुत मज़ा आया हमें। सईद अहमद सिद्दीकी स्पोर्ट्स फेस्टिवल हो रहा है, इस तरीके के गेम होने चाहिए ताकि गर्ल्स को बहुत मौका मिले। माई सेल्फ फातिमा, आज हमने एसटीसी क्लब की तरफ से 6ठा सईद अहमद सिद्दीकी स्पोर्ट्स फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जिसमें मास रेसलिंग और आर्म रेसलिंग के मुकाबले में बहुत सारे बच्चों ने हिस्सा लिया और इस तरीके के मुकाबले होते रहना चाहिए और हमने और बच्चों ने मिलकर बहुत इन्जॉय। हमें मेरा नाम रुमैसा है, मास रेसलिंग के मुकाबले हुए, यहाँ पर बहुत सारी गर्ल्स आई थी, हमें बहुत मज़ा आया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जन्नत है, मैं इधर आई हूँ मास रेसलिंग गेम्स में, मैंने इधर हिस्सा लिया। इधर की गर्ल्स आई हुई हैं, इधर गर्ल्स भी हैं और मुझे इधर बहुत पसंद। हमारी इरा फातिमा है और मैं आज यहाँ गेम खेलने आई हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मेरा नाम सारा है, यहाँ पे बहुत सारे गेम खेले जा रहे हैं, यहाँ पे मास रेसलिंग में मैंने हिस्सा लिया, यहाँ पे बहुत सारी गर्ल्स हैं, मुझे बहुत मज़ा। मेरा नाम इरफा है, यहाँ पे मास रेसलिंग में मैंने हिस्सा लिया और बहुत सारी गर्ल्स हैं, मुझे बहुत मज़ा आया। यहाँ पर 6 फेस्टिवल सईद अहमद सिद्दीकी मेमोरियल हो रहा है और यहाँ इस स्टूडेंट क्लब को बने हुए काफ़ी टाइम हो चुका है और यहाँ पर इस एरियाज़ में गर्ल्स की एक्टिविटीज़ बहुत कम होती हैं, लेकिन स्टूडेंट टैलेंट क्लब जो है बहुत काफ़ी सालों से वो गर्ल्स के लिए जो है वो इन्होंने फेस्टिवल कर रहे हैं ताकि जो लड़कियाँ बाहर नहीं जा सकती, जिनको अलाउ नहीं होता, तो उनके लिए यहाँ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। काफ़ी सालों से ये लोग अपना सर अंजाम दे रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा यहाँ पर खिलाड़ियों ने और ऑफिशियल्स ने जिस तरह से बात की और यकीनन जिस तरह से 6ठा सईद अहमद सिद्दीकी मेमोरियल स्पोर्ट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ है जिसमें आर्म रेसलिंग मास रेसलिंग के नन्हे नन्हे खिलाड़ियों ने भी शिरकत की और यकीनन इस तरह की एक्टिविटीज़ से आने वाले वक्त में बहुत सा टैलेंट निकल के मुल्क कौम का नाम रोशन कर सकता है। कैमरा पर्सन फातिमा के साथ मोहम्मद रिहान, स्टूडेंट टैलेंट स्पोर्ट्स न्यूज़ कराची।